हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम आपके लाए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपनी लॉ का। ये वो टॉपिक है, एक वो टेक्निकल क्वेश्चन है जो पिछले 10 में से 9 अटेम्प्ट में पूछा गया था। क्या आप जानते हैं 10वां अटेम्प्ट कौन था जिसमें नहीं पूछा गया? वो था मई 2020 का अटेम्प्ट। जी हाँ, वही अटेम्प्ट जो हुआ ही नहीं। ये वो क्वेश्चन है जो पिछले 10 के 10 अटेम्प्ट में पूछा गया है, और हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद भी हम लोगों के नंबर इसमें कट जाते हैं। तो गाइज, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, आज की वीडियो 5 नंबर की है क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आएगा। और अगर आपने ये वीडियो ठीक से देखी और इसको रिप्रोड्यूस करा अपने एग्जाम में, तो 5 नंबर गारंटी आपको मिल जाएंगे। ये टॉपिक है मीटिंग का। मीटिंग एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक इसलिए है क्योंकि अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दो तरह की मीटिंग्स के प्रोविजन में, बोर्ड मीटिंग के प्रोविजन और AGM के प्रोविजन। हम अक्सर उन्हें मिक्स कर देते हैं। पिछले 10 के 10 अटेम्प्ट में लगभग ये पूछा गया है कि एक AGM का नोटिस कितने दिन पहले दिया जाए तो वो वैलिड है। जी हाँ, आप समझ गए हैं, मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 101 ऑफ कंपनीज एक्ट की, जिसमें बताया गया कि कितने दिन पहले नोटिस भेजें तो वो वैलिड होगा। तो आइए समझते हैं ठीक से कि कितने दिन पहले नोटिस भेजने से वो वैलिड होता है। आइए समझते हैं क्या कहता है कंपनीज एक्ट का सेक्शन 101। इस सेक्शन के हिसाब से एक एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि AGM बुलाई जा सकती है बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ 21 क्लियर डेज, आइदर बाय पोस्ट और बाय ईमेल। अब सर, ये 21 क्लियर डेज क्या होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही सारा का सारा पेज है। चलिए इस बार पूछा हुआ क्वेश्चन लेते हैं। इस बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर हमारी मीटिंग होनी है 22 अगस्त को, तो नोटिस किस डेट पे भेजना चाहिए। अब ऑब्वियसली सबसे पहला रिएक्शन हमारा क्या आएगा, 22 - 21, यानी कि 1 अगस्त को अगर भेज दिया जाए तो बात बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। 21 क्लियर डेज का मतलब यह है कि जिस दिन मीटिंग है, यानी कि ये डे ऑफ मीटिंग, और डे ऑफ नोटिस, यानी मान ले कि 1 अगस्त को ही नोटिस दिया गया है, तो डेट ऑफ नोटिस ये दोनों ही इंक्लूड नहीं होगी इन कैलकुलेशन ऑफ 21 क्लियर डेज। यानी कि 2 दिन हमें एक्स्ट्रा लेके चलने पड़ेंगे तब बात बनेगी, ठीक है ना। यानी कि एक्चुअल में 21 क्लियर डेज का नोटिस कैसे दिया जाता है, 21 डेज प्लस 2 डेज, यानी कि टोटल 23 डेज, तब जाके ये 21 क्लियर डेज के लिए क्वालिफाई करता है। यानी कि अगर 22 अगस्त को हमें मीटिंग करनी है तो हमें माइनस करने पड़ेंगे 23 डेज, यानी कि लास्ट डेट क्या होगी, 31 जुलाई। ये तो हो गया एक आंसर। लेकिन अभी भी इसमें एक पेज बाकी है। पेज ये है कि अगर मान लीजिए हमने ये नोटिस भेजा है बाय पोस्ट, अब बाय पोस्ट अगर हम ये नोटिस भेजना चाहते हैं तो हमें पोस्ट के लिए भी 48 आवर्स एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि 48 घंटे कम से कम लगेंगे वहां पे ये नोटिस पहुंचने में। यानी कि अब ये कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। यानी कि अगर आप बाय पोस्ट भेजना चाहते हैं तो अब 21 डेज कैसे कैलकुलेट होंगे, अब कैलकुलेट होंगे 21 डेज प्लस 2 डेज प्लस 2 डेज। ये 2 डेज अब किस चीज के हैं, फॉर पोस्ट, यानी कि टोटल कितने डेज हो गए, 25 डेज। क्लियर है सर? इसका मतलब अगर अब आपने ये मीटिंग करनी है, यानी कि अब अगर आपने ये मीटिंग करनी है 22 अगस्त को, तो आपको इसमें से कितने दिन माइनस करने पड़ेंगे, माइनस 21 डेज एज पर सेक्शन 101, 2 डेज फॉर डे ऑफ मीटिंग प्लस डे ऑफ डिस्पैच माइनस 2 डेज फॉर पोस्ट।
यानी कि टोटल माइनस करेंगे 22 अगस्त में से 25 दिन, तो लास्ट डे क्या होगा जिस दिन हम इसको भेज सकते हैं? 29th of July. सो अब आंसर क्या है? 29th of July अगर आपने भेजना है बाय पोस्ट, और 31st July अगर आपने भेजना है बाय ईमेल. आई होप इट्स क्लियर नाउ. आई होप आपको ये कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक से समझ आ गई है, और अगली बार जब ये क्वेश्चन आएगा, जो कि मेरे को 100% श्योर है कि जरूर आएगा, ये आएगा, तो हम सबको 5 नंबर जरूर इसके लिए मिलेंगे, और हम सब इसको बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन के साथ लिख के आएंगे. इसी तरह की और अच्छी इंफॉर्मेशन वीडियो आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको जरूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए. इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए. वंदे मातरम.